वीर सावरकर का पूरा सच क्या है? सावरकर के माफीनामे का सच? सावरकर के साथ नाइंसाफी क्यों? सावरकर ने जगाई थी आजादी की अलख। हिंदू, हिंदी और हिंदुत्व के पुरोधा सावरकर। सावरकर मतलब तेज, सावरकर यानी त्याग, सावरकर यानी तर्क, सावरकर यानी तारुण्य, सावरकर यानी तीर, सावरकर यानी तलवार, सावरकर यानी तिलमिलाहट। ये कहना था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वीर सावरकर के बारे में। वीर सावरकर एक राजनीतिज्ञ, एक वकील, एक लेखक और सबसे बढ़कर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनका जन्म 28 मई 1883 में नासिक के पास एक छोटे से गांव भगूर में हुआ था। सावरकर अपने जीवन के शुरुआत से स्कूल के समय से ही स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। 1889 में उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था मित्र मेल। आगे चलकर इस संगठन का नाम अभिनव भारत सभा कर दिया गया। ये गुप्त संगठन था जिसमें कुछ ही लोग शामिल थे। साल 1906 में वीर सावरकर कानून की पढ़ाई करने लंदन चले गए। वहां भी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों को जारी रखा और लंदन में ही प्री इंडिया सोसाइटी नाम से एक नए संगठन का गठन किया। इस संगठन का उद्देश्य अंग्रेजी औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध युवाओं को जो अलग अलग देशों में थे उन्हें लामबंद करना था, जिससे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद किया जा सके। वीर सावरकर ने 1908 में 1857 की क्रांति पर एक शोध लेख प्रकाशित किया जिसे आगे चलकर एक किताब के रूप में प्रकाशित किया गया, जिसे आज हम द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के नाम से जानते हैं। जब ये किताब प्रकाशित हो रही थी तब इस पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। इसे ब्रिटेन और भारत दोनों जगहों पर प्रकाशित नहीं किया गया। इसे हॉलैंड में प्रकाशित किया गया, लेकिन अंग्रेजों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए इस किताब की प्रतियों को चोरी छिपे भारत लाकर लोगों के बीच तक पहुंचाया गया, जिससे लोगों को 1857 की क्रांति के बारे में और ज्यादा बताया जा सके। 1909 में नासिक के कलेक्टर एएमटी जैक्सन की हत्या कर दी गई थी। अनंत लक्ष्मण नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी ने यह हत्या की थी जो अभिनव भारत समाज से जुड़े थे। इसी वजह से 1910 में वीर सावरकर को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। सावरकर पर इस मामले के अलावा एक अन्य मामले में आरोप लगा। उन पर मिंटो मार्ले सुधार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह फैलाने का आरोप लगा। इन दोनों मामलों में उन्हें 50 सालों की कालापानी की सजा दी गई। 1911 में वीर सावरकर को अंडमान निकोबार द्वीप के सेल्यूलर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इसी जेल से शुरू होती है उनके पत्र लिखने के विवाद की कहानी। सावरकर के माफी पत्र का सच। साल 1911 से 1923 तक वीर सावरकर जेल में रहे। ये दावा किया जाता है कि इन 12 वर्षों की अवधि के दौरान सावरकर ने 6 दया याचिकाएं लिखी, 6 मर्सी पिटीशन दाखिल की। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार से माफी मांगी। अब इन पत्रों को लेकर दो अलग अलग तर्क हैं। जैसा आपका दृष्टिकोण है, जैसा आपका नजरिया है, आपको वैसा दिखेगा। एक पक्ष ऐसा है जो इन पत्रों को लेकर सावरकर का विरोध करता है, उन्हें देशद्रोही करार देता है। उनका मानना है कि ऐसा करके सावरकर ने अपने हित के लिए देश के साथ धोखा किया। उनका यह भी कहना है कि सावरकर ने जेल से निकलकर ब्रिटिश हुकूमत का विरोध छोड़ दिया और उससे मिलकर उसे फायदा पहुंचाया। जबकि हकीकत यह है कि ये पत्र तो लिखे गए लेकिन एक रणनीति के तहत। ये एक प्लान का हिस्सा मात्र था जिससे सावरकर जेल से बाहर आ जाएं और स्वतंत्रता की लड़ाई कारगर तरीके से दोबारा लड़ पाएं। भारतीय इतिहासकार विक्रम संपत ने दामोदर सावरकर की बायोग्राफी में लिखा है कि सावरकर ने जो याचिकाएं लिखी थीं, वो दया याचिकाएं नहीं थी, कोई मर्सी पिटीशन नहीं था, बल्कि सामान्य कानूनी याचिकाएं थी। ऐसा करने का अधिकार उस वक्त के सभी राजनीतिक कैदियों को था। विक्रम संपत ने लिखा है, सचिंद्र नाथ सान्याल, बाल गंगाधर तिलक, श्रीपद अमृत डांगे ने भी जेल में रहकर इसी तरह के पत्र लिखे थे। अब आप इन याचिकाओं की किस तरह व्याख्या करना चाहते हैं,
ये आपकी सोच पर निर्भर है, क्योंकि अगर सावरकर ब्रिटिश हुकूमत से मिले होते तो जेल से छूटने के बाद उन पर राजनीतिक प्रतिबंध नहीं होते। वीर सावरकर को जब 1923 में जेल से छोड़ा गया तो उन पर 5 साल तक राजनीति ना करने का प्रतिबंध लगा था। बाद में इस प्रतिबंध को 13 साल तक बढ़ा दिया गया। 1937 तक उन पर राजनीति ना करने का प्रतिबंध लगा हुआ था। सावरकर पर महात्मा गांधी की हत्या में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। यानी कि एक बार फिर सावरकर को देशद्रोही कहने वालों को धक्का लगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि वीर सावरकर भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वीर सावरकर हिंदू, हिंदी और हिंदुत्व के प्रबल समर्थक थे। उन पर आरोप लगने की एक बड़ी वजह यह भी है, सावरकर ने जेल में रहते हुए 6000 कविताएं लिखी और 5 किताब भी लिखी। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज जो 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया, उसे मैडम भिकाजी कामा और वीर सावरकर ने डिजाइन किया था। तिरंगे में अशोक चक्र शामिल करने का सुझाव भी सावरकर ने दिया था। 1857 की क्रांति को अंग्रेज सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते थे, लेकिन ये सावरकर ही थे जिन्होंने इसे आजादी की पहली लड़ाई का नाम दिया। वीर सावरकर एक सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने मां भारती के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सावरकर कहते थे, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, यानी कि ये भारत भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र। सावरकर ने इस मातृ ऋण को पूरे जीवन चुकाया। ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज़।